अब बिल्ली के भाग से छींका फूटेगा क्या, वो जो सवाल खड़े कर रहे हैं, और बहुत सारी बिल्लियां हैं कतार में, मैं केसी चित्रा त्यागी जी। जी नहीं, इस तरह की भाषा जो है मेरी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। मैं इनकार इनके नेताओं का बहुत सम्मान करता हूँ। अटल जी हमारे नेता रहे हैं, राजनाथ जी हमारे संगी साथी रहे, और सुधांशु जी भी। लेकिन सुधांशु जी, जब एनडीए बनता है, 14 दिन तक अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, और उसके बाद कोई देश की पार्टी साथ नहीं आती है, तब जेडीयू, अकाली दल और शिवसेना साथ आती है। आज तीनों में से कोई साथ नहीं है। एक दूसरा, आप तो भाई देश के लोकतंत्र के लिए, हिंदुत्व के लिए, सब चीजों के लिए आज प्रोपेगेट कर रहे हैं। आपको याद है कि सत्ता प्राप्ति के लिए, मैं चित्रा जी मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा, नहीं नहीं सर, सत्ता बोलिए बोलिए। प्राप्ति के लिए आपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से आर्टिकल 370 पर कोई बहस नहीं हो गई, ये आपने निकाला। राम मंदिर हमारा मुद्दा नहीं है, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का विवाद अदालत तय करेगी, तो भी आप तोड़ने चले गए थे। तीसरा, जिस पर आजकल आपका सबसे ज्यादा जोर है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आपने जब जॉर्ज फर्नांडिस बने कन्वीनर, नीतीश कुमार जी साथ थे, आपने तीनों मुद्दे निकाल दिए सत्ता में आने के लिए। जी 1980 पर आ जाइए, जब जनसंघ की हमारे साथ भी और चंद्रशेखर जी के साथ तालमेल नहीं लगी, तो आपकी पार्टी ने बंबई में अधिवेशन किया। वहां अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए आपने कहा हम सेकुलर पार्टी हैं जी और गांधीयन सोशलिज्म हमारा जो है पूर्ण नारा है, और आपकी वित्त मंत्री कहती है कि समाजवाद तो नाटंक है, ठीक है सर। फालतू की चीज है। तो सत्ता के लिए आप कब कहां कैसे चले जाएं, इसकी तो मिसाल आप खुद ही हैं। ठीक है सुधांशु जी, मैं आऊंगी, और लेकिन जहां तक रोहन जी हमारा की कह रहे टिप्पणी हैं, जल्दी से मैं ले लेती एक हूँ। लास्ट हाँ लास्ट बोलिए, बोलिए सर, लास्ट, मैं एक लाइन में जवाब लास्ट, दूं चित्रा चित्रा जी जी, लास्ट। बोलिए सर। और ये हमसे मत कहिए चित्रा जी, ये सुधांशु जी हमसे मत कहिए। हमने आपने 50 साल काम किया, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, नीतीश कुमार, एक 54 का आरोप आप लगाओ, हम सब लोग राजनीति से संन्यास ले लेंगे। लिहाजा हमें ऐसा मत प्रदर्शित कीजिए जैसे चोरों का गठबंधन हो गया। हमारे पे ना सीबीआई, ना इनकम टैक्स, ठीक है सर, ना कोई और लेकिन चीज। और आप बाबरी पूरी हिम्मत तोड़ने लगा को लेकर लीजिए, भी शिवसेना नीतीश अपना कुमार के दावा आरोप कर रही है, लगा उधर से दीजिए। अपने दावे हैं, तो क्या कीजिएगा? समय के हिसाब से चित्रा जी, मुद्दे तो बदलते जाते हैं ना। रोहन जी की टिप्पणी हो जाए, उसके बाद सुधांशु जी मैं चित्रा आपके जी पास आऊंगी। रोहन गुप्ता जी जल्दी से, रोहन जी। देखिए सुधांशु जी इतिहासकर्ता है, विद्वान प्रवक्ता है, जब भी उनकी बात आती है, अब पंजाबी में कहावत है कि साड़ा कुत्ता कुत्ता और त्वाड़ा कुत्ता टॉमी, मतलब उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कि हमने पीडीपी के साथ किया वो राष्ट्र निर्माण के लिए है, और आप जो कर रहे हो राष्ट्र निर्माण नहीं है। मुझे लगता है ये तर्क सिर्फ सुधांशु जी का हो सकता है। और ये भाजपा तो ऐसा भस्मासुर है, जो जो भी पार्टी, अभी केसी त्यागी जी ने कहा कि उनके बहुत पुराने समर्थक थे, नीतीश जी ने हमेशा भाजपा को समय पे उनको समर्थन किया, आज वो भी अलग क्यों हो गए? क्योंकि उनपे भरोसा नहीं कर सकते हैं। भाजपा एक ऐसा भस्मासुर है कि जिसके भी उसके हाथ टच हो जाए वो पार्टी खत्म हो जाती है। आज उनका सबसे बड़ा समर्थक कौन है? 4 निर्दलीय और तोड़ी हुई शिवसेना, ये उनके सबसे बड़े समर्थक है। एनडीए बचा क्या? जिस पार्टी के ऊपर दूसरी पार्टियां भरोसा नहीं कर सकती है, देश की जनता क्या भरोसा करेगी? सुधांशु जी, समय बदलने लग गया है, वक्त बदलने लग गया है, आपको मालूम नहीं चाहिएगा। यही अहंकार को देश की जनता जवाब देगी, जो आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। आप जो करें वो देशप्रेम है, दूसरे करें वो देशद्रोह है, ये डबल पैमाना नहीं चलेगा। देश की जनता को आपको हकीकत का जवाब देना पड़ेगा कि 15 लाख कब आएंगे, काला धन कब आएगा, ये सारे मुद्दे पर आपको जवाब देना। क्लोजिंग कॉमेंट उनके आरोपों पर। हाँ देखिए, पहली बात मैं त्यागी जी, मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, मैंने जब बिल्ली शब्द प्रयोग किया था तो स्पष्ट बोला था शब्दशः ना लिया जाए प्रतीक में, फिर भी आपको बुरा लगा तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब आपका और राजद का पिछली बार गठबंधन था तो नीतीश जी ने उसके बारे में टिप्पणी की थी, जे रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, और चंदन विश्व व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। अब इसमें कौन चंदन था कौन भुजंग यानी सांप था, अब ये मैं आपके विवेक के ऊपर छोड़ता हूं, ऐसी बात नहीं थी। और तीसरी जो आपने बात कही, हमने कभी अपने घोषणा पत्र में से अपने मुद्दों को नहीं हटाया। मैं दर्शकों से कहता हूं जाके देखिए 1996, 98, 99, 2004, 2009, 2014 हम गठबंधन में जरूर रहे, पर राम मंदिर, धारा 370, कॉमन सिविल कोड हमारे एजेंडा में रहे, एनडीए में नहीं रहे। और आप भी हमारे साथ रहे, कभी किसी ने हमको फोन करके ये नहीं कहा कि यह वक्तव्य मत दीजिए, जैसा आनंद दुबे जी ने कहा राहुल जी के लिए। अब मैं ये बात सिर्फ अंत में कहना चाहूंगा, भाई कांग्रेस हम पे क्या आरोप लगा रही है?
ये कितने भी रूप बदल लें, पर आज इनकी हालत ये जो इनसे पिंड छुड़ा लेता।